दोस्तों छोटे पर्दे पर काम करने वाली सभी हसीनाओं की एक्टिंग, अदायगी और बेमिसाल खूबसूरती का जवाब ही नहीं है जिनके लिए ये जानी जाती हैं। पर इसके अलावा ये अपने लव अफेयर और रिलेशनशिप के लिए भी छोटे पर्दे पर बहुत ज्यादा फेमस हैं, जहां इन अभिनेत्रियों को अपने लव को पाने के लिए सेक्रीफाइस करते हुए भी देखा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि छोटे पर्दे की बहुत सारी अभिनेत्रियों ने अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए बहुत सारी हदें पार कर दी थी, जो थोड़ा शर्मनाक है, थोड़ा अजीब भी है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन 10 अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लवर का प्यार पाने के लिए सारी हदें पार की थी। नंबर 1, जिज्ञासा सिंह। जब भी थपकी फेम अभिनेत्री जिज्ञासा सिंह का नाम लिया जाता है तो इनके रूमर बॉयफ्रेंड अंकित बटला भी लोगों के जहन में आते ही आते हैं, जिनके चक्कर में जिज्ञासा सिंह ने एक बार सेट पर बहुत बुरी तरह से डांट खाई थी, क्योंकि इनका सारा ध्यान तो अंकित की तरफ था, जिसकी वजह से ये गलत गलत डायलॉग बोली जा रही थी। नंबर 2, शिवांगी जोशी। जी हाँ, आप नायरा यानी कि अभिनेत्री शिवांगी जोशी के प्यार मोहसिन खान यानी कि कार्तिक से तो अच्छी तरह रूबरू हो चुके हैं, जिन्हें पाने के लिए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन्होंने पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी लड़ाई कर ली थी, मगर असल जिंदगी में शिवांगी जोशी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। नंबर 3, अनीता हसंदानी। भले ही टीवी एक्ट्रेस अनीता हसंदानी आज अपने पति और बच्चे के साथ बहुत खुश है, लेकिन इन्होंने अपने फर्स्ट लवर एजाज खान के प्यार में बहुत सारी गुस्ताखियां की थी, जिसका पछतावा इन्हें आज भी है, क्योंकि एजाज ने न सिर्फ इनका भरोसा तोड़ा बल्कि इन्हें दूसरी लड़कियों के लिए भी धोखा दे दिया था। नंबर 4, हिना खान। जी हाँ, एक्ट्रेस हिना खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के प्यार में दुनिया भर की सारी हदें पार की थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये बिना शादी किए हुए ही उनके साथ पत्नी वाला रिश्ता रखती हैं, जो काफी लोगों को चौंका चुका है, मगर इनका ये प्यार अजय और अमर है। नंबर 5, क्रिस्टल डिसूजा। कुछ एक्ट्रेसेस की किस्मत ऐसी होती है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए कितनी भी जद्दोजहद क्यों ना कर ले, लेकिन वो उन्हें नसीब नहीं होता। जी हाँ, ऐसा ही कुछ क्रिस्टल डिसूजा के साथ भी हुआ है, जहाँ ये अपने को एक्टर करण टेकर के प्यार में गिरी जरूर थी, मगर इन्होंने इन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया। नंबर 6, जेनिफर विंगेट। छोटे पर्दे से सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाली अभिनेत्री जेनिफर विंगेट की प्यार की दास्तां बड़ी अजीब रही है, क्योंकि इन्होंने जिसके प्यार में अपना घर संसार एक्टिंग करियर को भुला दिया, उसी ने इनका दिल विश्वास तोड़ दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनके पहले पति करण सिंह ग्रोवर के बारे में, जिनकी अब ये डिवोर्सी है। नंबर 7, रुबीना दिलाइक। छोटी बहू सीरियल फेम अभिनेत्री रुबीना दिलेक ने आज से 10 साल पहले अभिनेता अविनाश सचदेव का प्यार पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, जहां पर ये उनसे शादी करने के लिए अपना एक्टिंग करियर, अपना स्वाभिमान छोड़ने तक को तैयार थी, मगर इन्होंने इन्हें जरा भी भाव नहीं दिया था। नंबर 8, देवोलीना भट्टाचार्य। टीवी पर्दे की दूसरी गोपी बहू यानी कि देवोलीना भट्टाचार्य ने अपने ऑन स्क्रीन देवर विशाल सिंह को अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, पर एक बार जब इनसे विशाल सिंह का झगड़ा हो गया था तब ये उनके आगे रोए भी, गड़गड़ाए भी, और तभी आज इनका रिश्ता सही सलामत है। नंबर 9, दिव्यांका त्रिपाठी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि टीवी की टॉप एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने पहले बॉयफ्रेंड शरद मल्होत्रा से शादी करने के लिए अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने का डिसीजन लिया था, लेकिन शरद मल्होत्रा ने इन्हें धोखा देकर इन्हें ही हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नंबर 10, दीपिका कक्कड़। छोटे पर्दे की बड़ी सिमर यानी कि दीपिका कक्कड़ ने अपने सच्चे प्यार के शोएब इब्राहिम को पाने के लिए अपने पहले पति रौनक सैमसन को तलाक देकर उनसे अपना नाता तोड़ दिया था, ताकि ये अपने सच्चे प्यार शोएब इब्राहिम से शादी करके सेटल हो सके। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन सभी अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री ने अपने प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी? आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।